अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हमने अपना चैप्टर नंबर 16 जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसका टॉपिक 16.2 करना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन सा टॉपिक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो फार्मूला है उसके ज़रिए से न्यूमेरिकल भी होना है, और ये न्यूमेरिकल आपके पास पेपर में भी आ सकता है क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स हैं। तो जो एक न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व हुआ हुआ है इस टॉपिक में, वो भी इसी फार्मूले से हुआ हुआ है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इधर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक कॉइल है, कॉइल से मुराद अगर आपके पास एक तार है, देखो अगर ऐसे हो तो उसे तो आप सीधा वायर कह लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप ऐसे करके मोड़ कर ये बना लो, इस शेप में बना लो, तो फिर इसे आप वायर नहीं कहते, इसे आप कहते हो कॉइल, ठीक है, इस कॉइल को। अच्छा, अब आपके पास ऐसे बना लो या ऐसे करके रॉड की शेप में बना लो, तो ये आपके पास एक कॉइल बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास कोई कॉइल, ठीक है, कोई कॉइल या कोई कंडक्टर जो है वो अगर रखा हुआ है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये आपने बताना है। कंडक्टर यानी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकती है। आप कंडक्टर पढ़ चुके हैं, बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसी से आपको समझाऊंगा, ठीक है। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है यहाँ पर समझने का, और उसी फॉर्मूले को देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, BIA साइन थीटा, ठीक है, ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला है BIL साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला पिछले फॉर्मूले से ही ड्राइव हुआ है। पिछला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, ये था ना पिछला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको इसकी डेरिवेशन जो है वो नहीं दी हुई है करने के लिए। ये एक प्रॉपर डेरिवेशन से इस फॉर्मूले को लगाकर अगर इस फॉर्मूले पर आप डेरिवेशन करेंगे तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। एंट लिख देते हैं, ठीक है। अब डेरिवेशन इसकी इंटर के अंदर आपको डिटेल में मिलेगी, ठीक है, वो भी फोर्स है, ये भी। ये जो फोर्स थी वो एक चार्ज, यानी एक चार्ज जो मूव कर रहा था उस पर लग रही थी, लेकिन ये जो फोर्स है BIL साइन थीटा, ये पूरे कंडक्टर पे लग रही है। ये फोर्स कंडक्टर पे लग रही होती है, ये एक चार्ज पे लग रही होती है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से ये ड्राइव हो जाता है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लेते हैं। ये आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये मैग्नेट का दूसरा हिस्सा है, मतलब दूसरा एक और मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट परमिनेंट है, परमिनेंट मैग्नेट मैंने आपको समझा दिए थे, वो मैग्नेट जो के हमेशा मैग्नेट रहते हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म या कम नहीं होती, ठीक है। अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें करंट मूव कर रहा है तो उसमें मैग्नेट फील्ड आ गई, लेकिन जैसे ही करंट मूव करना ख़त्म करेगा मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। लेकिन परमिनेंट मैग्नेट हमेशा मैग्नेट रहते हैं, चाहे करंट हो या ना हो, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास नॉर्थ से साउथ जाती है, बेसिक कॉन्सेप्ट, नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है, इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें ये बातें बता दी थी। अब यहाँ पर आपके पास एक कंडक्टर है, ये एक आपके पास कंडक्टर है, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर है इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा इस कंडक्टर पे। लेकिन अब इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, मैग्नेटिक, जैसे मैं स्टोरी करके बता रहा हूँ वैसे ही अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को ऐसे करके रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये कंडक्टर क्या हुआ, ये कंडक्टर यूं करके मूव कर गया मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, ये मूव कर गया। अच्छा, मैंने एक जो बनाई है वो परमानेंट लाइन और एक डॉटेड लाइन। तो देखो ये वाला जो मैंने बनाया है, ये मैंने कंडक्टर पहले लाके रखा था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंडक्टर उधर की तरफ चला गया। तो ये इसकी पोजीशन थी जब मैंने रखा था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये टेढ़ा हो गया। अब इस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है। अब आपको पता है करंट गुजर रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन ही गुजर रहे होंगे ना, करंट। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उस तरफ है। मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि जब भी आपके पास करंट जो है वो अपवर्ड जा रहा होगा
तो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, यहां लिख लीजिए, इफ, ये लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ करंट डायरेक्शन इज अपवर्ड, इट, वो क्रिएट करेगा, इट क्रिएट क्रिएट्स नॉर्थ पोल, ठीक है, लिख लो। और अगर इसको चाहो बुक में देखना तो मैं बुक में भी बता देता हूँ कहाँ पर ये मौजूद है, ठीक है, पेज नंबर 13, मैं निकाल लेता हूँ, पेज नंबर आप देखिए 135, तो उसमें एक छोटा सा नीले कलर का बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है व्हेन करंट फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन इट्स इंडिकेट द नॉर्थ पोल, अपवर्ड जा रहा है करंट, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ पोल होगा आपके पास। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉनिक करंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन कन्वेंशनल करंट जो है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है, याद रखना, जब भी आई बनाया जाता है इसका मतलब होता है कन्वेंशनल करंट। करंट के हमारे पास दो बिलीफ है, एक पुराना बिलीफ जिसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं और एक न्यू बिलीफ जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स करंट कहते हैं। अच्छा, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट एक दूसरे के जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कन्वेंशनल करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉनिक करंट उस डायरेक्शन में, ठीक है, ये याद रखना। तो जब भी आप देख रहे हो मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट उस तरफ बना रहा हूँ तो कन्वेंशनल इस तरफ बना रहा हूँ, और कन्वेंशनल करंट पुराना बिलीफ है, ठीक है, नया बिलीफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के मुताबिक ही मैंने पोल बनाया है। तो जब करंट ऊपर जा रहा होगा यहाँ भी नॉर्थ पोल बन गया होगा, ठीक है, यहाँ भी ऊपर भी इसके ऊपर नॉर्थ पोल आ गया होगा और इसके ऊपर नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल, तो देखें रिपेल किया और वो वहाँ चला गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसे आप कहते हो थीटा, ठीक है, और ये थीटा आप निकालते हो 360 में से, यानी पाई में से माइनस कर कर थीटा को। अब ये क्या माजरा है, थीटा माइनस पाई क्यों लिखा गया है? देखो, थीटा माइनस पाई इसलिए लिखा गया है कि अगर ये पूरी रॉड घूमेगी तो कितना घूमेगी, पाई घूमेगी। पाई का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अगर यहां पर थी तो घूम कर वापस यहां पर आ जाए, तो ये क्या बन जाता है आपके पास, पाई, ठीक है। तो अगर आप इस पाई में से सिर्फ इतना थीटा माइनस कर दोगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा, ठीक है, आपका एंगल आ जाएगा, और वो ये एंगल होगा जो यहां पर है, वो ये एंगल होगा, और पूरी रोटेशन जो है वो थीटा माइनस पाई से मिल जाएगी, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, तो अब ये तो आपके पास आ गया फॉर्मूला, आपके पास ये है। अब यहाँ पर ये बता क्या रहा है फॉर्मूला ये बता रहा है, और इसका यूनिट याद रखना फोर्स है, तो यूनिट जो है वो न्यूटन होगा, एस आई यूनिट इज न्यूटन। अच्छा, याद रखना फोर्स कहीं भी हो, फ्रिक्शन की फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, यूनिट न्यूटन रहता है, तब्दील नहीं होता। अब देखो ये क्या बता रहा है, ये आपके पास है कंडक्टर, इसमें से मूव कर रहा है करंट, ठीक है, आई क्या है आपके पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई है आपके पास CURRENT करंट, ठीक है, करंट है आई, आई आपके पास क्या है, करंट। मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा हुआ है, तो ये जो है आपके पास बी जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर रखा हुआ है, लेंथ क्या है इसकी, एल, यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ है एल, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो मैंने, चाहो तो एल ऐसे भी बना सकते हो, यहां से लेके यहां तक ये भी एल ही बनेगा, क्यों, क्योंकि यही कंडक्टर तो उस तरफ मुड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं बना रहा हूं, मैं वो जो कंडक्टर घूमा है उसी की लेंथ बना रहा हूं, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी हो गई आपके पास एल, ठीक है, ये हो गई इसकी लेंथ, समझ में आ रही है ना, लेंथ मैंने अच्छी तरीके से वाजे कर दी है लेंथ, तो यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा ऊपर कर लेना, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक इस कंडक्टर की हो गई एल लेंथ, तो वो ये एल है, एल क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर्स नहीं लिखेगा, एक ही कंडक्टर है तो कंडक्टर लिखा जाएगा, तो एल आपके पास हो गई लेंथ। मैं थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस लो कर देता हूँ ताकि अगर कुछ विजिबल ना हो तो वो विजिबल हो जाए, तो मैं, और इसके ऊपर क्या लग रही है, ये इस कंडक्टर की वजह, कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि करंट मूव कर रहा है, और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है,
तो इस पर क्या लग रही होगी? फोर्स। तो जब भी इसने मूव किया ना, फोर्स नहीं होती तो ये कभी भी मूव नहीं करता। वर्क कराने के लिए क्या चीज़ नेसेसरी है? फोर्स। अगर फोर्स नहीं है तो कोई भी आपके पास मूवमेंट नहीं होगी। तो बिल्कुल ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है करंट के मूव करने की वजह से, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो टकराती हैं, रिपल्जन होती है, तो कंडक्टर एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है, यानी मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसकी सीधी सीधी बात क्या है कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और उसमें से करंट मूव कर रहा होगा, कंडक्टर में करंट मूव कर रहा होगा, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। एक और बार बता देता हूँ, जब भी आपके पास कोई कंडक्टर परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस कंडक्टर में से अगर करंट गुजर रहा है तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। इसको इस तरह भी कह सकते हो कि अगर एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी। सिंपल बात है। और यही चीज़ अब इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, तो यही चीज़ लिखी हुई भी है। कहा जा रहा है कि व्हेन अ कंडक्टर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट, एक अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट से मुराद इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है ज़्यादातर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अमाउंट इट अराउंड इट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द है तो उस पर फोर्स लगेगी, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ। इट एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड यानी अगर ये नुमाया हो जाता है, यानी अगर ये आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड जनरेट अ फोर्स व्हेन अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट इनटू इट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द सम वे। तो वही बात कह रहे हैं कि अगर कोई कंडक्टर आ जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में और उस जो है वो कंडक्टर में भी करंट मूव कर रहा है तो उस कंडक्टर पर और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों फोर्स लगाएंगे कंडक्टर पर। अच्छा, ये तो हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया, और जिस फॉर्मूले से वो फोर्स आप निकालोगे वो होगा बी आई एल साइन थीटा या बी एल आई साइन थीटा या आई एल बी साइन थीटा, आप कुछ भी कह सकते हो इसे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे तो फिर आपके पास जो है वो बी क्रॉस आई एल, नहीं, बी क्रॉस एल साइन थीटा बनेगा। ठीक है, इसका वैसे क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म लिखी हुई होगी यहाँ पर इन्होंने, हाँ, बी एल आई साइन थीटा। अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे, ये तो मैंने नॉर्मल फॉर्म लिख दी, अगर इसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे बनेगा। आई आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसको तो वेक्टर बना नहीं सकते आप, तो ये आ गया आपके पास एल क्रॉस बी। जैसे यहाँ पर वी क्रॉस बी था, इस तरह से एल क्रॉस बी हो गया आपके पास। तो ये इसका फॉर्मूला था, आप इसका कर लेते हैं आखिरी न्यूमेरिकल। एक इसमें न्यूमेरिकल है और सेल्फ असेसमेंट नहीं है इसमें, इस टॉपिक में। कहा जाता है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वायर इज इन फिगर। अच्छा, राइट डाउन द नोन क्वांटिटीज एंड क्वांटिटीज टू बी फाउंड। अच्छा देखो भाई, यहाँ पर इन्होंने आपको न्यूमेरिकल ऐसे बना दिया है, गिवन डेटा और टू फाइंड, कि आपको कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं और आपने जो है वो फोर्स पता करना है। यहाँ पर आपको कोई वैसे सवाल नहीं पूछा गया जैसे पूछा जाता है कि एक इंसान जा रहा है, वो इतनी फोर्स लगा रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्या उसकी वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं करा इन्होंने। यहाँ बस इन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज दे दी, आपको जो है वो फोर्स पता लगानी है। यहाँ पर इन्होंने बी दे दिया, आई दे दिया, एल दे दिया, थीटा दे दिया और कह रहे हैं फोर्स पता लगा लो। यहाँ कोई इन्होंने हार्ड करके सवाल क्रिएट नहीं किया। तो बी आपके पास कितना आया, 1.05 टेस्ला, यहाँ पर आपने टेस्ला ही यूनिट रखना है मैग्नेटिक फील्ड का। आई कितना आया आपके पास, 20 एम्पियर। चलो पहले एल लेंथ लिख देते हैं क्योंकि इन्होंने भी एल लिखी हुई है, तो लेंथ कितनी आई आप इनके पास, लेंथ इन्होंने दे दी आपके पास 5.00 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ इन्होंने यहाँ पर किस में दी है आपको, सेंटीमीटर में, तो आपको इसे मीटर में ले जाना पड़ेगा। तो फिर लेंथ कितनी बन जाएगी, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करा दोगे तो बन जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, और यही यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे भी लिखा हुआ है, उन्होंने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिए आगे, चाहे तो लगाएं वरना नहीं लगाएं तो भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, करंट उन्होंने 20 एम्पियर का दे दिया है, बहुत ज़्यादा करंट होता है 20 एम्पियर का, और थीटा इन्होंने दे दिया आपको 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर आपको थीटा हमेशा डिग्री में ही दिया जाएगा, कभी रेडियन में नहीं दिया जाएगा। फोर्स पता लगा लीजिए, सॉल्यूशन लिख दीजिए। डेटा से समझ में आ रहा होगा कि इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई करना है। ठीक है,
साइन थीटा खोल के लिख लीजिएगा, तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू आई एल बी या बी आई एल साइन थीटा कह लो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। तो बी क्या है आपके पास 1.05, आई क्या है आपके पास 20, एल क्या है आपके पास 0.0500 और साइन थीटा। अच्छा याद रखिएगा, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, उसके बाद जो है वो बाकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराइएगा। अच्छा बहुत ज़्यादा ट्रिल गिर गया है, मैं इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ, थोड़ा सा इसको उठा के लिख देता हूँ ताकि बेहतर हो जाए। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वही अपनी 10.5, और मेरे पास जो आई है, आई से पहले एल नहीं लिखते, आई लिखते हैं पहले 20, उसके बाद जो मेरे पास एल है वो है 0.05 और फिर साइन 90, हाँ याद रखिएगा साइन 90 हमेशा आपके पास 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और साइन कॉस 0 1 के बराबर होता है, साइन 90 और कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो 0.0500 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इन सबको आपस में रख के मैं सॉल्व कर देता हूँ कैलकुलेटर की मदद से, 1.50 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 0.05 और मल्टीप्लाई 1, तो आंसर आ रहा है आपके पास 1.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, ठीक है। इसका आंसर मैच कर लेते हैं तो यही आ रहा है 1.5। अच्छा इन्होंने ज़ीरो भी लगाया हुआ है तो आप ज़ीरो लगा लीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है न्यूटन। तो ये इसका आंसर था और ये इसका बन रहा था हिसाब किताब। अच्छा डेरिवेशन इसकी नहीं थी इसलिए मैं ज़्यादा डेरिवेशन की वजह से एक्सप्लेन नहीं कर सका, अगर इसकी डेरिवेशन कराई हुई होती बुक में तो मैं भी करा देता, मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कराऊंगा आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, मैं साइड में हो गया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 16.3, ऑलमोस्ट ये चैप्टर यहाँ पर कह लीजिए आधा हो जाएगा अगले टॉपिक्स के बाद, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी जो है वो इंशाल्लाह मैं इसके बाद एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें 16.3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।